तो दोस्तों गुड इवनिंग। अभी रात का खाना बनने वाला है, डिनर बनाने वाली हूँ मैं। और आज मैं चावल नहीं बना रही, थोड़ा चावल बचा हुआ है दोपहर का, और दाल भी बचा हुआ है, जबकि मैं चने की दाल बनाई थी। तो मैं अभी बनाऊंगी रोटी। तो रोटी बनाने के लिए मैं निकाल चुकी हूँ आटा। अब मैं इसमें पानी डाल के गूंदूंगी। तो मैं इसे थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको मिलाऊंगी। अब थोड़ा पानी डाल देती हूँ, थोड़ा। इस तरीके से थोड़ा थोड़ा पानी दे करके मैं इसको गूंद लूंगी अच्छे से, कर लूंगी ऐसे। तो गाइस मैं ये आटा गूंद ली हूँ, आप लोग देख रहे हैं कितना अच्छा से। तो मैं ये आटा गूंद दी हूँ। तो अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए ढक के रखती हूँ, उसके बाद में मैं रोटी बनाऊंगी। तो गाइस मेरी रोटी यहाँ बन के रेडी हो गई हूँ गई है। और मैं ये दाल गरम कर रही हूँ, जो कि ये ब्लॉग सैटरडे शाम का और संडे का है। तो सैटरडे दिन में बनाई थी चने की दाल, तो वही मैं गरम कर रही थी खाने के लिए। ये सैटरडे का ही है ब्लॉग्स, तो मैं कल नहीं डाल पाई थी। तो मैं ये दाल के साथ में खाती हूँ रोटी, बहुत ही स्वाद लगता है। और ये मेरा बेटा सो रहा था, और 10 बजे आसपास, बहुत भूख लगा था बेटा, 9 के 10 बजे आसपास रोटी मांगा हमसे खाने के लिए, भूख लग रहा है बहुत बहुत। भूख लगी तो थी मैं यहाँ पर वही थी हूँ। क्या? मुंह से नहीं बोल रहा था, मुंह ढीला। तो गाइस मेरा बेटा सो गया था, फिर अभी इसको जगा रहे थे हम खाने के लिए, नहीं उठा बेटा। काव्या को भी जगा रहे थे, पता है? काव्या को भी जगाए थे हम खाना खाने के लिए, नहीं उठा तुम लोग। तो मैं आपके लिए खा गई, और अभी बज रहे हैं रात के 9। ज़्यादा देरी तो नहीं हुआ है, 8 बजे तक हम लोग खाते हैं, लेकिन ये सो गया था तो फिर उठा, फिर खाना है। तो मैं रोटी बना के रखी थी, उठेगा उस समय देंगे बोल करके, तो फिर उसी को मैं गरम करके और दाल के साथ में मेरा बेटा को दे दिए हूँ। और दाल के साथ में मेरा बेटा कितना ही अच्छा खा रहा है ना बेटा? ऐसे ही खाते हैं बेटा, जो मिलता है उसी को खाते हैं ना। दाल में भी विटामिन प्रोटीन सब होता है। मेरा बेटा दाल खाना पसंद नहीं करता है, तो आज दाल रोटी खा रहा है तो बहुत ही अच्छा लग रहा है हमको। मेरा बेटा दाल रोटी खा रहा है, मेरा आवाज़ भी गड़गड़ा रहा है दोस्त फ्रेंड्स, तो माइंड नहीं कीजिएगा। और मैं इधर खड़ी हुई हूँ, मेरा बेटा खा ले फिर हम लोग सोने चलेंगे। तो ये नेक्स्ट डे संडे का ब्लॉग्स है। तो यहाँ पर बच्चों को मैं पढ़ा रही थी, तो ये पढ़ भी रहे थे और बदमाशी भी कर रहे थे काफी लोग। और ये मेरा बाहर में खाना बन रहा था, उसके बगल में बैठा करके मैं खाना भी बना रही थी। तो यहाँ मेरा खाना पक चुका है, मैं और ये सब्जी बनाने के लिए चढ़ाई कुकर पे। और मैं थोड़ा सा ये भगवान में आज काम की, यहाँ मैं लहसुन को थोड़ा सा कोड़ा दे दी थी, प्याज को भी थोड़ा थोड़ा कोड़ा करूँगी सोच रही थी, पर कर नहीं पा रही हूँ। थोड़ा सा बैठती हूँ ना तो फिर मेरा ये टाका वगैरह दब जाता है, तो थोड़ा सा दर्द देता है। जो अभी ठीक, टाका तो ठीक ही हो चुका है, बाकी थोड़ा सा कमजोरी है, थोड़ा क्या बोले खिंचाव है, तो उस वजह से नहीं कर पाती हूँ मैं। और ये देखिए हमारा बगान में क्या, ये कतारी है हमारे बगान में। तो ये तो जब दो चार मोटे मोटे हो रखे हैं, तो ये बच्चे लोग नहीं जा रहे ना, इसको तोड़ के खाना होता है, नहीं तो ये लोग तोड़ लेते हैं। तो मैं तोड़ के देती हूँ तभी ये लोग खाते हैं वैसे तो। और यहाँ पर मेरा कोरिएंडर का पौधा लगा हुआ है, धनिया की पत्ती। तो मैं यहाँ आप लोगों को दिखा रही हूँ कितने अच्छे से यहाँ धनिया पत्ती हमारा हो रखा है, और उधर लहसुन भी। तो लहसुन में थोड़ा सा आई हो जा रहा है। और ये देखिए हमारा मैंगो, तो अभी सीजन है मंजर आने का, तो ये मैं आम का पेड़ में मंजर आ चुके हैं। ये है हमारा कलमी आम, जो कि ये 2 बार फलता है बोल के बताया गया था, और मैं लेके आई थी, तो अभी फर्स्ट बार में ही ये मंजर आ गया है। और एक पौधा है जो उसमें भी थोड़ा बहुत मंजर आ गया है, मैं हो सके तो मैं दिखाऊंगी। और
यहाँ पर देखिए सब तरफ, और ये देखिए रहर जो कि यहाँ फल सूख चुके हैं और फूल भी लगा, मतलब रहर भी मतलब जितना पानी मिलता है चाहे जितना हल मिलता है उतना ये फूलता फलता है। ये पेड़ वाला मतलब पौधा वाला रहर है, पेड़ वाला मतलब इसको नहीं काटने से और दोबारा वह फूलेगा फलेगा, ऐसे इस तरीके का रहर है। तो मैं यहाँ देखिए बगाने से घूम रही थी और आप लोगों को दिखा रही हूँ। ये देखिए हम लोग का बूटा है जो कि बहुत ही समझदार है, मैं कई बार इसका वीडियो बना चुकी हूँ। और ये है जो कि मैं दाना दे रही थी, तो ये आ रही थी। तो हमारे यहाँ ढेर सारे जो जो हो चुके हैं अभी और बहुत सारे, तो देखिए मैं इनके लिए दाना देती हूँ और तो वो अपना खोज के भी खा लेते हैं। बहुत सारे हो गए हैं ना, तो इस वजह से थोड़ा दाना देना पड़ता है। लोभी कहाँ का खोज के खाएगा ज़्यादा, और अगर मुर्गी नहीं रखती हूँ तो फिर यहाँ हो जाता है ना, बच्चा लोग खाना वाना फेंक देता है तो कीड़ा वड़ा वगैरह सब हो जाता है, इसलिए कहा कि मैं मुर्गी पालती हूँ। और ऐसे मेरे यहाँ खुला जगह है तो फिर इसलिए मैं रख लेती हूँ, और अच्छा भी लगता है घर अंदर में मुर्गी चिंगना रहता है, तो इसलिए मैं यहाँ पालती हूँ। और यहाँ मेरा मुर्गा एक है और मुर्गी दो चार है ऐसे। तो देखिए मैं किस तरह से इनको दाना देती हूँ,